इंस्टाग्राम तो आप चलाते ही होगे और अपने फेवरेट क्रिएटर की टेम्पटिंग फोटो देख के आप कहते होगे काश अगर ऐसी फोटो मेरी प्रोफाइल में पड़ी होती ना तो फॉलोअर्स की झड़ी लग जाती, तो जो काश है ना वो इस वीडियो देखने के बाद खत्म होने वाला है। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है विभूत वेदी और लोग इंस्टाग्राम में मुझे देसी डॉट बैकपैकर के नाम से जानते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको एक बात तो पता होगी कि मुझे पहाड़ कितने पसंद है, मतलब बहुत सारे पहाड़। और यार मैं कंटेंट तब से बना रहा हूँ पहाड़ों का जब इंस्टाग्राम पैदा भी नहीं हुआ था। इसी बात में दो लाइनें हो जाएंगी भाई, कौन कहता है दिल सिर्फ सीने में होता है, कौन कहता है दिल सिर्फ सीने में होता है, मैं जब पहाड़ भी लिखता हूँ तो मेरी उंगलियाँ धड़कती हैं। यार मुद्दे में आते हैं, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर दोगे। लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि फोटोज एडिट करने तो आप बता दोगे, लेकिन व्यू भैया ये बताओ कि कौन से सॉफ्टवेयर में आप एडिट करते हो। फिर उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर में अपनी पिक्चर्स एडिट करता हूँ जो इंस्टाग्राम में अपलोड करता हूँ। तो यार मेरे हिसाब से जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है लाइटरूम है। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पिक्चर्स एडिट कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनली फेवरेट लाइटरूम है क्योंकि उसमें बहुत सारी सेटिंग्स आप इधर उधर कर सकते हो, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फिल्टर्स उसमें दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करते टाइम बेस्ट आपको रिजल्ट लाइटरूम में मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं गलत हूं। तो यार मैं शेयर करने वाला हूं मेरा खुद का वर्कफ्लो कि कोई पिक्चर एडिट करने से पहले मैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता हूं। तो इस पूरे एडिटिंग प्रोसेस को मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है जिसके लिए आपको समझने में आसानी हो। और यार प्रो फोटोग्राफर्स लोगों के लिए वीडियो नहीं है यार, ये वीडियो बिगनर्स के लिए, क्योंकि यार लोगों को प्रोसेस ही पूरा नहीं पता होता है यार, वो यार कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा प्रोसेस समझाऊं कि यार किस तरीके से एडिटिंग करी जाती है। तो जैसे कि आपके पास कोई माउंटेन की पिक्चर है, सबसे पहले एडिट करने से पहले सबसे पहले आप उसको लाइटरूम में एक्सपोर्ट कर लो, और उसके बाद सबसे पहले आप क्रॉप में जाके उसका अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। क्योंकि यार बहुत बार क्या होता है जो हम लोग पहाड़ों की पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो वहां पे सरफेस नॉर्मल नहीं रहता है, इंक्लाइन रहता है, कभी डिक्लाइन रहता है, तो नॉर्मल नहीं रहता है। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप माउंटेन की पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो उसका अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पिक्चर लेता हूँ और उसके बाद उसका अलाइनमेंट चेक करता हूँ कि वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल अलाइन है ना, क्योंकि अलाइनमेंट के बाद ना चीज़ें और खूबसूरत लगने लगती हैं। और आखिरकार अपना मेन मोटो यार पिक्चर को खूबसूरत बनाना ही है आफ्टर एडिटिंग। तो ये स्टेप वन में सबसे पहले हम लोग यार अलाइनमेंट चेक करेंगे, और अलाइनमेंट चेक करने के बाद जो स्टेप टू आता है वो है एडजस्टमेंट्स। अब ये एडजस्टमेंट क्या चीज है भी भैया, यार उसको भी बता देते हैं। यार बेसिक एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप लोग एक्सपोजर, हाईलाइट और शेडोज आप कंट्रोल करते हो, उसके अलावा व्हाइट्स भी हो गया, उसके बाद ब्लैक्स भी हो गया, वो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आप कंट्रोल करते हो। अब इतने बड़े बड़े नाम आपने सुन लिए होंगे, एक्सपोजर, हाईलाइट और शेडोज, मैं आपको कोशिश करूंगा एक मिनट में समझाने के लिए कि ये सब क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि एक फोटोग्राफ लेते हैं, और मैंने यहाँ पे सेल्फ पोर्ट्रेट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपको समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, माउंटेन पिक्चर्स में इतनी डिटेलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट लिया हुआ है, और इस सेल्फ पोर्ट्रेट में शेडोज, हाइलाइट्स और एक्सपोजर का क्या रोल है इससे समझते हैं। जैसे कि लाइटरूम में दो मोड्स होते हैं, या तो ऑटो एडजस्टमेंट या तो सेल्फ एडजस्टमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑटो क्लिक करके एक बार एडजस्टमेंट आप ऐसे चेक कर लो कि उससे क्या क्या फ़र्क पड़ा, और बाकी अदरवाइज आप सेल्फ एडजस्टमेंट करके सारी चीज़ें एक बार समझ लो, सीख लो, तो उससे आपको फ्यूचर में कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो ये जो आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है इसमें लाइट कंट्रोल होगी शेडोज की हेल्प से। सिमिलरली ये जो ब्राइट पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें लाइट कंट्रोल होगी हाईलाइट की हेल्प से। अगर आपको लाइट कंट्रोल करनी है पूरी इमेज की कि कितनी ज्यादा या कम इंटेंसिटी से लाइट आपके फ्रेम में होनी चाहिए तो वो एक्सपोजर कंट्रोल करता है। ओ भाई साहब इतनी सीरियस टॉक्स। तो आप अगर शेडोज बढ़ाओगे तो डार्कनेस कम होगी आपकी पिक्चर की, और अगर आप हाइलाइट्स घटाओगे तो आपकी लाइट कम होगी आपकी पिक्चर की, और अगर इसी तरीके से अगर आप एक्सपोजर कम करोगे तो आपकी इमेज की ओवरऑल लाइट्स कम हो जाएगी। और रही बात ब्लैक्स और वाइट्स की, तो इमेज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत खेल सकते हो टू मेक इट लुक गुड।
तो यार अब आ जाते हैं सबसे फेवरेट टॉपिक पे जो कि है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आपने इंस्टाग्राम में अपने फेवरेट क्रिएटर की प्रोफाइल में बहुत दफा ऐसा देखा होगा कि आसमान पिंक हुआ पड़ा है, आसमान येलो हुआ पड़ा है, इन फैक्ट आसमान में मैजेंटा कलर फैला हुआ है, बिल्कुल होली हो गई है। और आपने भी ये सोच के भरोसा कर लिया है कि यार भाई बड़े क्रिएटर हैं, लद्दाख गए होंगे, शायद वहां आसमान ऐसा होता होगा। पर यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनको कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ये अपना अपना लोगों का स्टाइल होता है एडिट करने का। लाइटरूम ऐप में जब आप कलर्स के अंदर क्लिक करोगे तो आपको एक चीज मिलेगी, सैचुरेशन। आप समझते हैं सैचुरेशन क्या होता है? तो जो आपकी पिक्चर है उस पिक्चर में जितने भी कलर्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो सैचुरेशन कंट्रोल करता है। सैचुरेशन अगर ज्यादा होगा दैट मींस आपकी पिक्चर में बहुत सारे कलर्स हैं, और सैचुरेशन अगर कम होगा तो वाइस वर्सा आपकी पिक्चर में बहुत ज्यादा कम कलर है, बहुत ही फीकी पिक्चर है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में अगर आप फोटोज एडिट कर रहे हो तो आप सैचुरेशन एक बार कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहोगे कि व्यू भैया वो जो आसमान है उसका हमें कलर बदलना है, और उसके बाद जो स्किन है उसका भी मुझे कलर बदलना है, और वो जो लाल दुपट्टे में मैडम खड़ी है फोटोग्राफ में उनका भी कलर बदलना है, तो यार वो सब होता है कलर मिक्सिंग से। अब आप सोच रहे हो कि कलर मिक्सिंग क्या है? तो यार ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, 8 कलर जो है इन्हीं सारे कलर से मिलके एक पिक्चर बनी होती है कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अगर आप ऐसे समझो कि अगर रेड कलर है, जैसे ये फोटो अगर आप मेरी फोटोग्राफ आप देख रहे हो, तो जो रेड कलर है अगर हम सैचुरेशन इसका बढ़ा देंगे तो व्यू भैया के लिप्स का कलर और ज्यादा हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर सैचुरेशन से तो आप ज्यादा कम कलर कर सकते हैं, लेकिन आपको नीचे ल्यूमिनेंस दिख रहा है। ल्यूमिनेंस क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि जो कलर है वो ब्राइट होगा कि डार्क होगा। तो इन केस जैसे देखिए, अगर आपको जो लिप्स का कलर है अगर इसको आपको ब्राइट करना है तो ल्यूमिनेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर डार्क करना है तो ल्यूमिनेंस आपको घटाना पड़ेगा। तो और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में इस वक्त देख पा रहे होगे, अगर हम इफेक्ट्स में क्लिक करें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे टेक्सचर है, क्लैरिटी है, डेज है। अब अगर आपके पास कोई पोर्ट्रेट की अगर आप फोटो एडिट कर रहे हो, तो अगर वो पोर्ट्रेट है तो टेक्सचर आपको हमेशा लगभग कम रखना है, अदरवाइज अगर ज़्यादा अगर आप टेक्सचर रखोगे तो आप जैसे देख रहे हो इस फोटोग्राफ में बहुत ही ज़्यादा स्किन शार्प हो जा रही है, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप हमेशा टेक्सचर डाउन रखो अगर आप कोई पोर्ट्रेट एडिट कर रहे हो। और क्लैरिटी की जहाँ बात रहेगी तो वो भी अपने अकॉर्डिंग, अगर लैंडस्केप है वहाँ पे अगर ज़रूरत है, फोटो हाई मेगापिक्सल कैमरे से क्लिक करी गई है तो आप क्लैरिटी ज़्यादा कर सकते हो बड़े आराम से, लेकिन अगर बहुत ही लो रिजोल्यूशन या मोबाइल फोन से है तो आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ऊपर नीचे मत करिएगा, अदरवाइज फोटो खराब हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग डिहेज आता है, डिहेज मीन्स कि आप अपनी फोटोग्राफ में ब्लैकनेस कितनी ऐड कर रहे हैं, ये थोड़ी डार्क कर देती है और वाइब्रेंट कर देती है फोटोग्राफ को इन टर्म्स ऑफ ब्लैकनेस, तो वो इससे कंट्रोल होता है। इसके बाद विग्नेट एक और फीचर होता है, विग्नेट से क्या होता है कि ये जो चारों तरफ आपको बॉर्डर दिख रहा है इसमें एक फेडेड वाइट और आइदर फेडेड ब्लैक आपको एक पर्दा टाइप का ये बना के दे देगा, कि अगर आप विग्नेट कम करोगे तो आप जैसे देख पा रहे हो कि बॉर्डर्स हैं जो वो सारे डार्क हो रहे हैं, और अगर मान लो विग्नेट बढ़ाओगे तो जितने बॉर्डर्स हैं वो सारे ब्राइट हो रहे हैं। आप इंस्टाग्राम में प्रोफाइल में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फिल्टर्स, जहाँ पे आप लगा के पूरा लुक और फील चेंज कर सकते हैं पिक्चर का। जैसे कि आर्टिस्टिक 6 है, इसमें देखिए थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा फिल्म वाला लुक दिख रहा है, और जैसे कि और भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं जो मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ था इस पिक्चर के लिए। जो मैंने इंस्टाग्राम में अपलोड करी है वो मैंने विंटेज 1 यूज़ किया हुआ है। अदर देन दैट यहाँ पे बहुत सारे मॉडर्न फिल्टर्स भी जो पूरी फिल्म का लुक आपको दे देते हैं, वो फिल्टर्स यूज़ करके आप अपनी पिक्चर बिल्कुल वैसी बना सकते हैं जैसी आपको चाहिए। अब यार लगभग जितना हमने सीखा है, एक हम माउंटेन की पिक्चर लेके उन सब कुछ अप्लाई करते हैं, उसका फिल्टर अप्लाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक नई पिक्चर ले रखी है माउंटेन की जो बिल्कुल एडिटेड नहीं है, मेरे निकॉन D5300 से क्लिक करी हुई है, और ये है केदारनाथ के पीछे वाले जो माउंटेन्स हैं उनकी पिक्चर है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने सीखा था कि सबसे पहले आपको आना है लाइट्स में, और उसके बाद कंट्रोल करना है एक्सपोजर और कंट्रास्ट और हाईलाइट्स किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने ना हाईलाइट्स कम कर दी हैं, क्योंकि आप देखिए ना, आप फोटो पे अगर देखेंगे तो ये जो स्नो है इससे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, और टेक्स्चर तब क्रिएट होगा जब हाईलाइट आप कम रखोगे। तो मैंने हाईलाइट कम कर दी है, शेडोज़ भी मैंने कम कर दिए हैं, क्योंकि शेडोज़ कम करने से आप जैसे बीच वाले पोर्शन में देखेंगे तो डार्क डार्क माउंटेन्स दिख रहे हैं, वो बड़े क्रिस्प लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और मैंने वाइट्स थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि वाइट्स कम कर रहे हैं तो बढ़िया फेडेड फोटो हो जा रही है। और ब्लैक्स मैंने कर दिया है काफ़ी हद तक कम, जिससे बहुत ही ज़्यादा जो माउंटेन्स का जो
टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आए और बहुत ही डेप्थ क्रिएट हो जाए। अब जैसे रही बात कंट्रास्ट की, तो कंट्रास्ट भी, अब कंट्रास्ट अगर मैं थोड़ा जैसे बढ़ाता हूँ, आप देख रहे हो कंट्रास्ट बढ़ाने से सैचुरेशन में भी फ़र्क पड़ रहा है और कंट्रास्ट कम करने से सैचुरेशन भी कम हुआ हो रहा है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं जूम करके देख लूँगा एक बार कि जूम करने के बाद कैसा इफेक्ट पड़ रहा है मेरी पिक्चर पे, अगर मैं कंट्रास्ट बढ़ाता हूँ कम करता हूँ। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो ऐसी लग रही है और कम कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखूँ, क्योंकि यार कम करने में ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे होगे ना बीच वाला, जहाँ पे मतलब जहाँ पे शेडो है वो उतनी ज़्यादा क्लियर, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। पहला स्टेप तो हमारा हो गया इस फोटो के लिए, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे जो कि हमारा था कलर, कलर करेक्शन में। तो फोटो जूम आउट कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद जैसे देखिए अभी क्या है ना, अभी ओवर सैचुरेटेड फोटो लग रही है जस्ट बिकॉज कि हमारा जो कंट्रास्ट है वो मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ से ना सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर दूंगा कि फोटो थोड़ी सी नेचुरल लगे। इसके बाद अब जैसे हमने बताया था कि जो कलर मिक्सिंग वाला फैक्टर है कि कैसे ल्यूमिनेंस और वर्क करता है, तो मैं मिक्स में आता हूँ और सबसे पहले ये जो ऊपर जो स्काई का कलर है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा उसमें देखते हैं कि और क्या प्ले कर सकते हैं। सैचुरेशन जैसे मैंने कम कर दिया है, सैचुरेशन मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है और ल्यूमिनेंस भी मैंने और गिरा दिया है, जिससे सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। जो देख रहे होंगे जो माउंटेन की पिक्चर है वो और ज़्यादा क्रिस्प हो गई है, और ये जो पीछे का बैकड्रॉप है जो कि मेरा ब्लू है उसको मैंने ल्यूमिनेंस कम करके उसको डार्क कर दिया है, तो वो थोड़ा सा और सही लग रहा है। अभी ये सब देख रहे होंगे, अब ये जो इफेक्ट्स वाला पैनल है ये यहाँ पे आप माउंटेन फोटोग्राफी में इफेक्ट्स पैनल बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको पहाड़ों की और डेप्थ और क्लैरिटी चाहिए तो आप थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा देंगे, और यहाँ टेक्स्चर भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा टेक्स्चर बढ़ाऊंगा तो ये जो मेरे स्नो के पैचेस दिख रहे हैं वो थोड़े से और क्लियर हो रहे हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, डिहेज में थोड़ा सा कम करता हूँ तो ओवरऑल पिक्चर देखूँ। हाँ, अब थोड़ी सी मेरे को सही लगी है। अब विग्नेट से ना मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हल्का सा विग्नेट मारूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं मारूँगा क्योंकि अब मुझे लग रहा है इस फोटो में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मार रहे ना तो जो स्काई में वो पता चल रहा है, कितना भी अगर मैं फेदर ज़्यादा डाल लूँ लेकिन वो ऑलरेडी पता चल रहा है, तो मैं उसको इतना नहीं प्ले करूँगा। अब एक बार चेक लेते हैं फिल्टर्स की, यार ये जो एडिट हो गई है फोटो मेरे अकॉर्डिंग, ये पिक्चर फोटो एडिट हो गई है, तो अब इसमें और क्या करा जा सकता है। तो अब जैसे देख रहे हैं, अब देखिए ये जो अलग अलग फिल्टर्स हैं ये फिल्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये फिल्टर्स तो स्काई पे कम इफेक्ट डाल रहे हैं लेकिन जो मेरे जो स्नो वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, और यार वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक देखिए, अभी तक ऐसी फोटोग्राफ थी और अभी तक आप उसको ये कर चुके हैं बिल्कुल। आप क्लैरिटी देख लीजिए, आप डेप्थ देखिए कि कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। आर्टिस्टिक थ्री है ये थोड़ा सा रेडिश डाल देता है, तो मुझे यार स्नो वाइट होती है उसमें रेडिश का कोई काम नहीं है। आप आर्टिस्टिक फोर यूज़ कर सकते हो स्नो के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा, लेकिन आपको इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा फेक लग रहा है। और बाकी अभी भी ना थोड़ा सा सैचुरेशन गड़बड़ है, सैचुरेशन मुझे कंट्रोल यहाँ से ही करना पड़ेगा टू मेक इट लुक गुड। मेरे अकॉर्डिंग अभी जो फोटोग्राफ है अभी परफेक्ट एडिट हो चुकी है। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है आप कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो यार आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना कि वीडियो कैसा लगा। और यार इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, अगर आप 200 लाइक्स कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसी तरीके की वीडियोस और चाहिए आपको, और नई नई चीज़ें लॉकडाउन में सीखनी है। और यार इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। वीडियो बनाने के लिए कितनी नौटंकी करनी पड़ती है।